नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल के दिन बहुत ही बड़ा हड़कंप मचा रहा भारत के अंदर, क्योंकि चीन का एक जो रॉकेट था वो अनियंत्रित होकर भारत के दक्षिणी राज्यों में आकर गिरा है। और दोस्तों, वैसे तो इस रॉकेट के आने से भारत में किसी प्रकार के जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि यह जो रॉकेट था उसका जो मलबा है वो रिहायशी इलाकों से काफ़ी दूर जाकर गिरा है, और बाद में इसकी कुछ फुटेजेस और वीडियो वगैरह भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पर दोस्तों, इसी बीच भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है कि वह चीन के रॉकेट को भारत की जमीन पर टकराने से पहले ही रोक देता। इस सभी को लेकर भारतीयों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, और दोस्तों आज हम इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि रॉकेट हो गए या फिर जो मीटियोर वगैरह होते हैं वो जब भी पृथ्वी की तरफ आते हैं तो वो कई सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और स्क्रीन पर आप जो रॉकेट भारत की तरफ आया था उसके आप स्क्रीन पर फोटो भी देख सकते हो, जिसमें इसके बहुत सारे टुकड़े देखे जा सकते हैं जो तीव्र गति से भारत की एरोस्पेस में दाखिल हुए थे। अब दोस्तों, यदि हमारे रडार की कैपेबिलिटी की बात करें तो भारत के इसरो और DRDO के पास 1000 से 1500 किलोमीटर के दायरे वाली ऐसी रडारें मौजूद हैं जो कि किसी भी अनआइडेंटिफाई छोटे से लेकर बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर सकती हैं। साथ में यह भी पूर्वानुमान लगा सकती हैं कि इसकी स्पीड क्या है और यह जमीन पर कहां जाकर टकराएगा। और भारत के एरोस्पेस में जैसे ही रॉकेट यह दाखिल हुआ होगा तो DRDO के साइंटिस्टों ने यह सबसे पहले मालूम कर ही लिया होगा कि यह कहां पर जाकर टकराएगा। और यदि किसी बड़े रिहायशी इलाके पर इसका खतरा होता तो भारत के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के माध्यम से इसको आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। अब चूंकि दोस्तों हमने मिसाइल फायर इसलिए नहीं करी क्योंकि स्क्रीन पर आप सभी देख ही सकते हो कि इसके जो टुकड़े थे वो काफी ज्यादा छोटे छोटे थे, और यदि इन टुकड़ों को रोकने के लिए हम कई सारी मिसाइलों को फायर करते तो उसका कचरा भी आकर भारत के रिहायशी इलाकों के ऊपर गिर सकता था। अब चूंकि रॉकेट का जो मलबा है वो तो नष्ट हो जाता, परंतु जो मिसाइल की डिबरी होती वो भारत के ऊपर आकर गिरती। और इस मिसाइल के कचरे के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह एग्जैक्ट किस लोकेशन पर आकर गिरेगा, इससे भारत के रिहायशी इलाकों पर भी भारत के ही मिसाइलों के कचरे का खतरा बना रहता। अब दोस्तों, एक और जो बात है वो आप सभी के मन में चल रही होगी कि क्या चीन ने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत परखने के लिए अपने रॉकेट को भारत के अंदर छोड़ा है, इसके बारे में भी आप सभी जानना चाहते होंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में मैं सिर्फ आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब हमारा चीन के साथ जो विवाद है वो चरम सीमा पर था और हमारे पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं थे, तब भी चीन के जो फाइटर जेट हैं वो LAC के आसपास ही मंडराते रहे, परंतु चीनी पायलटों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत के क्षेत्र में दाखिल हो सकें। जबकि चीन की तरफ से यह चिल्ला चिल्ला कर दावा किया गया कि जो भारत के फाइटर जेट हैं वो चीन की टेरिटरी में आकर युद्धाभ्यास को कंडक्ट कर रहे हैं और भारत ये इल्लीगली तौर पर कर रहा है। और दोस्तों, इस सभी बात से आप सभी जान ही सकते हो कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम की पावर है वो कितनी है। बाकी आप सभी को क्या लगता है कि चीन क्या सच में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को चेक करना चाहता था? कमेंट बॉक्स में भी आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।